नमस्ते फ्रेंड्स। तो देखिए आज का आप लोग देखेंगे मार्केट ने क्या किया। देखिए मार्केट, मैंने कल भी आपको बताया था, मतलब कल इस चैनल में वीडियो नहीं आया था, बंगाली चैनल में आया था। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग आना था वो 48,222 के बाद, तो वो आज शुरू हो गया। ठीक है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना था, यहाँ से थोड़ी बहुत करेगा, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। मैंने बार बार क्या बताया था कि देखिए इसको मतलब रेजिस्टेंस ले लिया तो उसके बाद 47,888 जो जोन है एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो देखिए मार्केट इसी का सपोर्ट लेके मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसी का सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, और इसको ब्रेकआउट देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर में चला गया। देखिए क्यों हुआ, फिर यहाँ पे मतलब कहाँ पे आ गया कि 48,000 का लेवल जो है वो अभी स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी के अंदर देखिए एक क्या करेगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से ऊपर में जाने का संभावना है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से देखना। और उसके साथ साथ ये जो जा रहा था, इस जाने का सबसे बड़ा जो वजह है वो है HDFC बैंक। आपको HDFC बैंक को देखना है, और देखिए यहाँ से कितना बेहतरीन मूवमेंट दिया, जो मूवमेंट के बारे में हम लोग हार्ड टाइम बताए थे कि देखिए यहाँ से आप लोग यहाँ पे लेंगे, मतलब 270-277 में लेंगे तो छोड़ दीजिए, इसका क्लोज दिया तो यहाँ पे क्लोज दिया 288 में, तो 288 के बाद आप लोग यहाँ पे ले सकते थे जो आपको लेके चला जाएगा 361 तक। ठीक है, यही आपका मतलब हमारा रेजिस्टेंस था, और इसी पे ये क्लोज दे दिया। देखिए मार्केट आपको पैसा देते हैं, ठीक है ना, लेकिन मार्केट का जो भी नेचर है वो नेचर को आपको समझना पड़ेगा कि ये नेचर कैसा है। और देखिए आपको जो भी मतलब मैं दिखाने वाला था वहाँ उस टाइम, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो भी मतलब इसका देखिए, इसका जब भी ब्रेकआउट कर दिया तभी इतना बड़ा मूवमेंट, और HDFC बैंक की वजह से, सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक, और ICICI बैंक भी उस टाइम बुलिश था जिस टाइम मतलब हुआ। देखिए ICICI बैंक भी मैंने देखा, तो दो बैंक जब भी बुलिश था तभी मेरे को समझ में आ गया था कि यहाँ से थोड़ी बहुत जाने का मूवमेंट का होने का संभावना है, क्योंकि यहाँ पे रेंज बना लिया और इस रेंज का ही ब्रेकआउट कर दिया, और इस ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो अच्छे तरीके से एक प्रॉफिट भी हम लोगों को मिल गया। तो इसी तरीके से मतलब इसी अंदाज से आप लोग ट्रेडिंग करेंगे तो आपको फायदा होगा, और इस तरह हर रोज आपको वीडियो चाहिए। मैं थोड़ी बहुत बाहर था इसलिए इस चैनल में मैंने वीडियो नहीं दे पाया, मतलब थोड़ी बहुत बिजी था, बाहर तो नहीं था लेकिन बिजी था। तो आप लोग इस चैनल में आप लोग नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और इस तरफ आपको हर रोज़ वीडियो चाहिए तो इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, उसके साथ साथ लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये छोटा चैनल है, इस चैनल को जितना चाहे आप लोग बढ़ा सकते हैं, और एक अच्छे तरीके से जो बंगाली चैनल की तरह हमारा जो एक बंगाली चैनल है वो ठीक ठाक अभी है, सब्सक्राइबर बेस है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी हमारा बात सुने और उसके साथ साथ इंडिया भी सीखे। मुझसे बड़ा मतलब ट्रेडर तो है यहाँ पे, मैंने ये नहीं बताऊँगा कि नहीं है, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ मेरा जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चाहिए तो आप लोग इस चैनल में सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा देंगे। ठीक है, तो वही होगा। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी का क्या हो सकता है। देखिए निफ्टी का भी देखेंगे तो निफ्टी का भी थोड़ी बहुत यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए निफ्टी का भी ना बहुत ही बढ़िया मूवमेंट बन सकते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी में क्या हुआ। देखिए निफ्टी का निफ्टी में क्या किया, देखिए ये गया तो से ही लेकिन ये जा नहीं पाया, तो थोड़ी बहुत रुकना जरूरी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक मतलब रेंज कर दिया, ठीक है, इस रेंज के अंदर ही मार्केट घूमेगा, उसके बाद जो भी होगा, इस रेंज का ब्रेकआउट आ गया आज तो थोड़ी बहुत ऊपर जाने का संभावना है। तो इसको देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए मार्केट कैसे बिहेव करता है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मुलाकात होगा एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।